ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र से है, जहां पर संदिग्ध अवस्था में महिला की घर में मौत हो गई और इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। साथ ही आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। खबर सीतापुर से है, जहां पर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के जिलाध्यक्ष भगवान शरण हिंदू ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जिसका नेतृत्व स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू एवं राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू के द्वारा किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्राचीन हनुमान मंदिर घंटाघर पर स्थित है, उसके ठीक सामने इंडियन होटल नाम से होटल संचालित होता है, जो पूर्ण रूप से मांसाहारी होटल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने होटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिरोजाबाद के जनपद न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है और इस दौरान मोटर व्हीकल एक्ट, समस्त प्रकार की शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से संबंधित मामलों का निस्तारण किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 89,762 वादों का निस्तारण हुआ है। वही लोक अदालत के अवसर पर जिला न्यायाधीश के साथ साथ जिलाधिकारी रवि रंजन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार तिवारी भी मौजूद रहे। अच्छा लग रहा है, दोबारा से साथ में रह रहे हैं, बच्चा भी है हमारा एक, उसके भविष्य के लिए हमने समझौता किया है। थैंक्स बोलना चाहते हैं लोक अदालत को और जज मैडम को, उन्होंने हमारा काम जल्दी करवा दिया समझौता। कल से चल रहा था, जिसकी वजह से हम लोग भी काफी परेशान थे तथा जज साहिबा के द्वारा हमारा मुकदमा जल्दी जल्दी खत्म हुआ तथा हमारा परिवार फिर से हम सब लोग साथ रहे। मैं अपनी पत्नी के संग अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ साथ में, तथा जिसकी वजह से मेरे बच्चे का भविष्य तथा हमारा पैसा दोनों की बचत हुई तथा हम लोग सुखी जीवन बिताना चाहते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में आज जनपद में जनपद न्यायालय से लेकर तालुका स्तर तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में सिविल मामले, समनीय आपराधिक वाद, बैंक के वाद, MACT के वाद, पारिवारिक मामले, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, सारे वादों का निस्तारण किया जाएगा और जो भी वादकारी इसके माध्यम से अपने वादों का निस्तारण करना चाहते हैं उनके लिए सारी सुविधाएं जनपद न्यायालय में मौजूद हैं। आज की लोक अदालत में हमने 77,000 वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा है। इससे पूर्व जो लोक अदालत हुई थी उसमें लगभग 56,000 वाद हमारे द्वारा निस्तारित किए गए थे और लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय अपराध, आपराधिक मामले, बैंक रिकवरी से मामले, श्रम संबंधित मामले, सिविल प्रकृति के वाद और जल बिजली से संबंधित मामले निस्तारित किए जाते हैं। और लोक अदालत का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसमें जो भी निर्णय होते हैं वो आपसी सामंजस्य और समझ और विचार के किए जाते हैं। इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। सेकंड चीज की जो इसमें लोक अदालत के माध्यम से जो भी वाद निस्तारित होते हैं तो उसकी न्याय शुल्क आपको या लिटिगेंट्स को वापस मिल जाती है, कोई शुल्क दे नहीं होता। अच्छा लगा। वही खबर छत्तीसगढ़ के पामगढ़ से है, जहां पर भाजपा नेत्री मंजुलता टंडन प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा के आह्वान पर बिलासपुर में आयोजित महतारी हुंकार रैली में पहुंची है और रैली के प्रथम पंक्ति में रैली का नेतृत्व करते हुए चली और इससे भव्य रैली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। मंजुलता टंडन ने भूपेश सरकार पर हुंकार भरते हुए कई सवाल फेंके हैं। वही खबर कानपुर देहात से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में बंद पड़ी फैक्ट्री में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। पूरा मामला थाना रनिया क्षेत्र का बताया जा रहा है। वही खबर चित्रकूट से है, जहां पर शादी के मंडप से एक दुल्हन सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई, जिसके बाद पीड़ित दूल्हे ने कोतवाली में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कामतानाथ परिक्रमा मार्ग स्थित बरहा के हनुमान मंदिर का है। बता दें कि महोबा जिले के रहने वाले सुरेंद्र पाल की शादी चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली युवती से उसके रिश्तेदारों ने तय कराई थी।
युवती के परिजनों की आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण लड़के पक्ष ने लड़की की शादी का पूरा खर्चा उठाने का जिम्मा उठाया। दुल्हन के भाई ने दुल्हन का सामान लाने के लिए लड़की पक्ष से 53,000 रुपये लिए और सामान लेने चला गया, लेकिन काफी देर तक जब वापस नहीं आया तो दुल्हन के साथ आए अन्य रिश्तेदार भी वहां से धीमे धीमे खिसकने लगे। इधर शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी, सिर्फ विदाई के रिवाज बाकी रह गया था। जब दुल्हन की माँ और उसके सभी लोग वहां से खिसक लिए तो दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया और दूल्हे का सोने चांदी का जेवरात लेकर वहां से फरार हो गई। इसके बाद पीड़ित दूल्हे ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर कोतवाली पुलिस ने लुटेरे दुल्हन सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पैसे लेकर फरार होने वाले भाई को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान लेकर मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। मकान जात पात का कोई भेदभाव नहीं रहेगा, बोले ठीक है हमारे तो लड़की बाप और माँ बोली कि हमारे पास लेन देन के लिए कोई जो है व्यवस्था नहीं भाई, मकान ठीक है वो भी हो जाएगा, दोनों पूरे दोनों तरफ का चूल्हा जलाना पड़ेगा, मकान ठीक है जलवा देंगे, मगर शादी जो है चित घूर से करना पड़ेगा। इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ठीक है लड़कों वालों को बुला लीजिए तो अपना बेटी देख ले और जो है अपना जो है शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो बोला नहीं पहले पैसा दो और इसके बाद मंडप में बैठाते हैं, सामान लाना है और घर मेहमान पाही है सब कुछ, हमको किराया भाड़ा सब कुछ देना पड़ेगा और लड़की को सामान भी देना पड़ेगा, तो हमको पैसा दो, हमका कितना चाहिए भाई, बोला 50-55 हज़ार दे, तो हमने उनको जो है 53,000 दे दिया। 53,000 देने के बाद लड़की का वो जो भाई का दोस्त था वो जो है अपना धीरे से निकल लिया है, बोले मैं सामान लेके आ रहा हूँ। अब मकान जात पात वही अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से टकरा गई और इस दौरान कार के पर खच्चे उड़ गए। भीषण हादसे में कार चालक समेत 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरा मामला थाना सैद नंगली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वही खबर अमरोहा से है, जहां पर लोगों ने तेज भूकंप के झटके महसूस किए हैं। पड़ोसी देश नेपाल भूकंप का केंद्र रहा। बता दें कि 15 मिनट तक आए भूकंप के झटके अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ समेत कई जिलों में महसूस किए गए हैं। आगरा में जैन समाज का क्रिकेट लीग मैच का आयोजन होने जा रहा है। चीपीटोला जैन समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है और इस दौरान बताया गया कि नवंबर के महीने में युवा जैन समाज के मैच में शामिल होंगे। समाज में ऐसे खेलकूद बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए होने चाहिए और ये तो सौभाग्य हमारा कि हम बच्चों की प्रतिभा देख सकते हैं इससे, और मेरी सबको शुभकामनाएं अच्छे से अच्छा खेले और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। हमारे समाज के युवा वर्ग ने क्रिकेट लीग मैच का बेड़ा उठाया है, इससे हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं और यहाँ की संख्या और लोगों का उत्साह देखकर ही हमें ये समझ में आ रहा है कि मैच कितने अच्छे और उत्साहवर्धक होंगे। ये छिपी टोले में खुशी का माहौल है, वातावरण है और उत्सव के रूप में ये क्रिकेट लीग मैच का हमारे यहाँ 22 नवंबर से 11 दिसंबर तक इसका कार्यक्रम चलेगा और इसमें 16 टीमें अभी तक आ चुकी हैं। 16 टीमों का सभी का मैच एक क्लब स्टेडियम में होगा और उसमें पूरा जैन समाज बहुत उत्साहित है, पूरा आगरा जैन समाज इसके लिए वहाँ पर जन समूह के रूप में एकत्रित होगा। खबर कानपुर से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई पर FIR मामले की जांच की जा रही है। वह इस मामले को लेकर सपा ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया जो सपा विधायक इरफान सोलंकी से मिलने के लिए कानपुर पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में शामिल सपा विधायक मनोज पांडे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि CCTV कैमरा मामले की पूरी हकीकत बयां कर रहा है। आग लगने के समय ना विधायक और ना ही उनका भाई मौके पर दिखाई दे रहे हैं, हम लोग ये बात प्रशासन और शासन को बताएंगे। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
We'll be right back.